हम अभी जो है मंकी पॉइंट होकर आ रहे हैं, वहाँ पर जो है कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं है, तो इसलिए आपको वहाँ के पिक्चर्स वगैरह नहीं दिखा पाए। तो वहाँ से हम लोग 1 से 1.5 घंटे में आ चुके हैं। वहाँ पर काफ़ी चेकिंग होती है और काफ़ी चढ़ाई भी है वहाँ पर। और अब हम जो है यहाँ पर मॉल रोड आपको घूमेंगे, यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है मॉल रोड पर। ट्रॉली का मॉल रोड है ये काफ़ी जो है शांत एरिया है, बढ़िया लग रहा है। चलिए आके देखते हैं। गोभी पकौड़ा, पनीर पकौड़ा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये पेयर कितने का है, 200 पेयर है। कैप कैप कितने का भैया? 300। यहाँ पर आप जो है साइड से वूलन शॉप्स हैं, यहाँ पे सॉक्स हैं, कैप्स हैं, काफ़ी अच्छे और सही दाम पर मिलते हैं। आप यहाँ पे बार्गेनिंग करके भी ख़रीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा सामान है वूलन। शॉप्स हैं यहाँ पर, आप कैप और ग्लव्स ले सकते हैं। ये जो क्वालिटी है इनकी काफ़ी अच्छी होती है, कुछ में इन पर तिब्बत के भी बने हुए होते हैं और ये काफ़ी गर्म होते हैं। सॉक्स, कैप और ग्लव्स इनको आप ले सकते हैं, तिब्बत के हैं। ये तिब्बत का है। ये हम आपको मॉल रोड पर वॉक कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है। अभी हमको चाय पीनी है, थक गए, तो देखते हैं कहाँ पे मिलेगी अदरक वाली चाय, बढ़िया टेस्टी। ये एक कोई बना तो रहा है, यहाँ पे देखते हैं क्या बन रहा है। आगे हम जा रहे हैं, ये ओल्ड हेरिटेज मार्केट है, आगे तहसील ऑफिस, न्यू मार्केट और मेडिटेशन पॉइंट और सीबी हॉस्पिटल या स्कूल आगे ही है, इसमें बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप आगे की तरफ देखकर जा सकते हैं। कसौली का मॉल रोड ये देख सकते हैं आप, वुडन। दोस्तों ये साइड में इधर शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ से कि आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी वूलन सामान मिलता है और यहाँ पर जो है ये वूलन स्लीपर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो कि ठंड में बचाए रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर हिमाचल की ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये वूलन स्लीपर सॉफ्ट और गर्म होते हैं। ये आप वहाँ से ले सकते हैं। और आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं इसके लिए, थोड़ा कॉस्टली बोलते हैं वो, लेकिन आप बोलते हैं तो फिर कम कर देते हैं पैसे। बुला देख क्या फोन कर दे। यहाँ पर जो है काफी रश है और बुलन सामान यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। आप इस तरह के सॉक्स आपको उधर कहीं मिलेंगे। हम तीनों यहीं पर हैं, हेरिटेज हम हेरिटेज मार्केट के अंदर हैं। ये कितने का ही हमारे कितने पर? और ये? और यहाँ पर जो है सभी लोग अपने अलग अलग रेट बताते हैं, तो आप कभी भी सामान खरीदें तो प्लीज़ बार्गेनिंग ज़रूर करें, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली बताते हैं, फिर बाद में वो कम कर लेते हैं और वो टूरिस्ट से ज़्यादा ही लेते हैं। क्योंकि ये बेड कवर है भाई साहब, कितने का सेट है? ये बेड कवर है, इसमें रजाई का गिलाफ है और पिलो कवर है, ये सब कुछ साथ में 28। कि वो लोकल से और टूरिस्ट को पहचानते हैं तो उनसे वो ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं, किसी भी चीज़ में आप ज़्यादा ही लेते हैं मान, लेकिन अच्छा मिलता है, आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। वेज मोमोज 100 के हैं, वाइट राइस, जीरा राइस।
लुधियाना का है। हाँ जी हाँ जी। कौन से बादाम है? मामरा है। ये देखिए मामरा बादाम, अभी देखा है खराब निकला इसका। एकत तो होती है। एकत क्या मतलब, दूसरा भी मैं ज्यादा खराब लग रहा है। डबल बादाम, ये बादाम सही है। हजार बादाम तोड़ोगे एकत तो निकलती है। मामरा कहाँ से आता? कश्मीर, अफगानिस्तान, अफ्रीका। मामरा तो कश्मीर में, ये तो देख कश्मीर मामरा की शक्ल में। दोगा देके क्यों बेच रहे हैं, सही से तो बेच। देख सकते हैं आप, इतना जो है गरम और काफ़ी मोटा, काफ़ी वूलन, ये आपको लोअर 600 में मिल रहा है। वहाँ पर इस तरह का क्लॉथ वहीं पर मिलता है, वहाँ पर ज़्यादा ठंड में वही पहने जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लोअर था। देखो स्टॉल्स 100 रुपए में और शॉल्स जो है 200 में। रशियन ब्लैंकेट है जी। कितने का? ये फ्रेश में 7,000 रुपए का, 2,500 रुपए का देंगे। डबल बेड का है। एक बार हो चुका है। शेरपा बूल में है ये। शेरपा बूल। किसके? रजाई के? डबल बेड। डबल बेड कितने का है? बेड कवर भी बना सकते हैं आप इससे। अच्छा कितने का है? 800 रुपए लग जाएगा। अच्छा एक जो बेड कवर और पूरा उड़े वो शाइन है, वो सॉफ्ट वाले जो आ रहे हैं, हाँ वो कितने का है? रजाई मिले बन समोसा मिलता है, जो कि हिमाचल का ही ट्रेडिशनल फूड है, और वो बन में समोसा लगाकर देते हैं, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पर ये चोपड़ा फूड कॉर्नर है, यहाँ पे आप चाय, कॉफ़ी या पकौड़े कुछ भी खा सकते हैं आपको।